वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निकेमर। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, बाजू में जो बेल आइकन है उसे दबा देना ताकि आपको मिल सके हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन सबसे पहले। और बहुत लोग बोलते हैं कि गेम पे बहुत सारा हैकर आ गया है, तो इसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन कब होगा ये देखिए। कैसा हैकिंग कर रहा है, घर का अंदर घुस जा रहा है ये देखिए। ये काफ़ी सारा बहुत सारा वीडियो बहुत लोग मुझे सेंड करते हैं तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो क्लैश कोड मोड पे भी हैकर है, ये क्या हैकिंग चल रहा है भाई। क्लैश कोड मोड पे रैंक मैच तो खेल ही नहीं सकते हैं, दो रैंक मैच खेलोगे तो कम से कम एक मैच पे तो हैकर रहेगा। तो ये प्रॉब्लम ये कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा हो गया है, पहले बहुत कम था लेकिन अभी लास्ट 15-20 दिन या फिर इस महीना बोल सकते हो, मतलब लास्ट मंथ काफ़ी ज़्यादा हो गया था। तो ये प्रॉब्लम स्टार्ट कैसे हुआ है, मतलब पहले तो एक दो था, बहुत कम था, लेकिन बहुत ज़्यादा कैसे हो गया। जब से गरीना वालों ने एक्शन लेना शुरू किया, हैकर के ऊपर एक्शन लेना शुरू किया, तब से ये मतलब बहुत ही ज़्यादा हो गया था। तो ये क्यों हुआ था, क्योंकि हैकर का अगेंस्ट एक्शन ले रहे थे उस टाइम। हैकर लोगों ने ये मतलब पूरा जो हैकिंग का ट्रिक्स जो है वो सबको दे मतलब सबको शेयर करना स्टार्ट कर दिया, इस कारण मतलब गेम पे हैकर आ गए। तो इसका सोल्यूशन कब होगा, हमारा तो OB22 अपडेट आने वाला है, तो उस अपडेट के बाद शायद इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल जाएगा, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हैकर पूरा ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन हैकिंग मतलब बहुत ही कम देखने को मिलेगा, मतलब इस अपडेट के बाद शायद आपको बहुत ही कम हैकिंग देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखिए कैसा हैकिंग चल रहा है, घर का इस पार से उस पार गाड़ी लेके चल रहा है, कोई टेलीकॉप कर रहा है, कोई कौन सा कर रहा है। ऐसा हो रहा है कि क्लासिक मैच पे भी हैकिंग चल रहा है, ये देखिए कैसा हैकिंग चल रहा है। ये हैकिंग मतलब लास्ट कुछ दिनों से बहुत ही ज़्यादा हो गया है, क्योंकि जब से एक्शन लिया गया था उसके बाद स्टार्ट हो गया हैकिंग, मतलब बहुत ज़्यादा हो गया है। तो यहाँ पे देखिए इसको मार रहा है लेकिन फिर भी एनिमी नहीं मर रहा है, मतलब क्या हैकिंग किया है, मतलब डैमेज नहीं हो रहा है, ये क्या हैकिंग है भाई। ये लोग कैसे हैकिंग कर रहे हैं, इसको रिपोर्ट करने से तो आईडी बैन होना चाहिए था, फिर भी बैन क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको लग रहा है बैन नहीं हो रहा है लेकिन रेगुलर बहुत सारे आईडी बैन हो रहा है। लेकिन कितना बैन करेंगे, मतलब फ्री फायर के जितने लोग गेम खेलते हैं आधा लोग अभी हैकर बन गए हैं। ये क्या चल रहा है, गाड़ी लेके कौन कहाँ पे किधर जा रहा है, इतना सारा हैकिंग चल रहा है, तो मतलब अभी गेम खेलने में क्लासिक मोड का गेम खेलने में भी प्रॉब्लम होगा हो रहा है, या फिर क्लैश कोड मोड पे भी हो रहा है, या फिर क्लासिक मोड रैंक मैच तो छोड़ो, दो रैंक मैच खेलोगे तो एक रैंक मैच पे आपको हैकर तो ज़रूर ही मिल जाएंगे। तो आपको कभी हैकर मिला है या नहीं कॉमेंट करके बताइए, ये हैकर का आईडी बैन होना चाहिए या नहीं ये भी कमेंट करके बताइए। और अपडेट जब आज हमारा अपडेट हो जाएगा, न्यू अपडेट आ जाएगा, उसके बाद हैकिंग मतलब बहुत कम हो जाएगा, टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए घर का अंदर घुस जा रहा है, तो मतलब आज का अपडेट आ जाने के बाद गेम सही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, टेंशन लेने का कोई बात नहीं है। फिर से ये देखो पूरा हिडन हो जा रहा है, मतलब गेम स्टार्ट होने से पहले से पूरा हिडन हो रहा है, तो इसको कैसे मारना है, ऐसे लोगों को तो मारना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो चिंता करने का बात नहीं है, आज जब हमारा अपडेट हो जाएगा OB22 का अपडेट आ जाएगा, उसके बाद आप आराम से गेम खेल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे तो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हैकर ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन हैकर बहुत ही कम हो जाएंगे, मतलब गेम पे आपको हैकर मतलब बहुत ही कम दिखाई देगा आज के बाद, मतलब अपडेट आ जाने के बाद। तो फिर मतलब आप लोगों का कोई दोस्त अगर हैकिंग कर रहा है, हैकिंग करता है, तो उसके साथ गेम मत खेलिएगा, क्योंकि आईडी बैन हो सकता है, और हैकर लोगों का आईडी और डिवाइस बैन हो गया है, हो रहा है, इसलिए वो लोग अपना मतलब ट्रिक्स जो है हैकिंग ट्रिक्स लोगों को शेयर कर रहे हैं। जैसे आपका कोई दोस्त हैकिंग करता है तो उसका आईडी बैन हो गया है, तो वो आपको ये हैकिंग ट्रिक्स दे सकता है, लेकिन आप मत खेलिएगा, क्योंकि आपका डिवाइस बैन हो सकता है, जिसके कारण आप आगे गेम नहीं खेल सकते हैं। ये कैसा हैकिंग है भाई, गाड़ी इधर से उधर घुस जा रहा है, किधर किधर घुस जा रहा है, अंदर घुस के मार रहे हैं, कहाँ कहाँ मार रहे हैं, मतलब क्या बताओ आप लोगों को, आप लोग देख ही रहे हैं। तो ऐसा हैकिंग का ट्रिक्स अगर आपको कहीं मिले तो इसको ट्राई मत कीजिएगा, नहीं तो आपका
डिवाइस बैंड हो जाएगा। डिवाइस बैंड मतलब जिस मोबाइल से आप गेम खेलते हैं उस मोबाइल से आप आगे गेम नहीं खेल सकते हैं। तो थैंक यू, इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टिल देन बाय, किसी न्यू टॉपिक के साथ फिर से आपका साथ मुलाकात होगा। बाय।